दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संधि के विषय में, और संधि के हम दो वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखें, तब आपका यह संधि पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और तब आपको आगे का भाग समझ में आएगा अच्छी तरह। इसलिए कभी भी पहले आप पहला वीडियो देखें, ये भूल बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, हमने संधि के विषय में देखा था और संधि में आपको समझाया था कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों के समीप आने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं और तीन प्रकार के विषय में हमने चर्चा किया था, और उसमें पहला हमने बात किए थे संधि, और संधि में हमने देखा था कि संधि जो होती है वह तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। और सबसे पहला हमने भाग में पढ़ाया आपको, और दूसरे भाग में आपको पढ़ाया है स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि जो है तो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वरों के समीपवर्ती मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है उसके बाद में व्यंजन संधि की बात करेंगे, लेकिन स्वर संधि को एक बार हम दो मिनट में जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि स्वर संधि की पांच प्रकार की होती है। और स्वर संधि का पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा प्रकार होता है गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों, ये पांच प्रकार हैं और पांचों प्रकार को हमने भली भांति समझाया है पिछले वीडियो में। दीर्घ स्वर संधि में बड़ी की मात्रा बनती है, इतना याद रखना है। गुण स्वर संधि जो होती है उसमें एक मात्रा होती है, और याद करने का तरीका भी हमने बताया है कि हर व्यक्ति में एक गुण होता है। और वैसे ही वृद्धि स्वर संधि में जो एक गुण होता है उन गुणों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। तो जहाँ पर दो मात्राएँ आए वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। यण स्वर संधि में या रा और वह जो शब्द हैं उनके संयोग से बनते हैं, और इन शब्दों के पूर्व कोई आधा स्वर आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। और अयादि स्वर संधि तीन अक्षरों की होती है, जैसे हमने उदाहरण बताया था नयन, पवन आदि। आज हम वह टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दूसरी संधि की बात करेंगे, और दूसरी संधि जो है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि जो व्यंजन है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बनती है। जो व्यंजन संधि है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, या तो स्वर आए या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बनती है। अर्थात पहला अक्षर व्यंजन है और उसके बाद में स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि बनेगी, जैसे का और ई यदि मिले तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि यह व्यंजन है और यह स्वर है, इसीलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और यह शब्द अगला ये गी बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आधा ता धन जा आ जाए तो यहाँ पे आप देखिए दो जा बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी
यह व्यंजन है और व्यंजन आए अर्थात यदि स्वर आए या व्यंजन आए और व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि ही बनेगी। इनके उदाहरण हम आपको अभी बता रहे हैं, जैसे वाक धन ईस, वाक धन ईस और वाक धन ईस से बनेगा वागीस, वागीस बनेगा। इसी प्रकार सत धन जन, और इससे बनेगा सज्जन, सज्जन। तो आप देखिए जब व्यंजन के साथ स्वर या फिर व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इस प्रकार हम व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। तीसरा है हमारा टॉपिक, जो तीसरी संधि होती है वह है विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि की हम बात करेंगे। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, अक्सर करके यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम पूछी जाती है दोनों संधि। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर यह विसर्ग, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं, स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकते हैं। तो और जहाँ पे दोनों का मेल होगा तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे हम बात करेंगे निधन आहार, निधन आहार, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा निराहार, निराहार। और दुधन आशा, और यहां से नया शब्द बनेगा दुराशा। तो इस प्रकार से विसर्ग आप देख रहे हैं और इनसे नया शब्द बनता है। तो विसर्ग जहाँ पे आए वहाँ पे हम बोलेंगे कि इनमें विसर्ग संधि होगी, अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से एक नया शब्द बनेगा, मेल होगा शब्दों का, वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार यह पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें देखा कि सबसे पहले तो स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं, व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और यहाँ पर हमने देखा व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। एक बार पुनः मैं पूरी संधि आपको दोहरा देता हूँ। जब वर्णों का आपस में मेल होता है तो हम उसे संधि कहते हैं, या समीप वर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और हम देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि के पांच प्रकार हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और यहाँ पे तीसरा है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हम बात करेंगे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे एक नया शब्द बनेगा। लेकिन जहाँ पे विसर्ग के बाद व्यंजन शब्द आते हैं वहाँ पर विसर्ग संधि बनती है। स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो इस प्रकार से यह संधि का टॉपिक समाप्त होता है। और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, MPPSC हो, व्यापम की कोई भी परीक्षा हो, PEB की परीक्षा हो, SSC हो या किसी भी
परीक्षा हो जहाँ पे सामान्य हिंदी के विषय में चर्चा की जा रही हो, ऐसी जहाँ पे भी आपको हिंदी का टॉपिक होगा वहाँ यह संधि आपको बहुत ही काम आएगी। और सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की बात नहीं करते हम, यह विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छी है, उनसे नॉलेज मिलेगा और वह अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं। और संधि में आपको यदि और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी दें जिससे वो लाभान्वित हो सके। नमस्कार।